हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे रोलेक्स घड़ी का वॉच का सोशल मीडिया पोस्ट, वो भी फ़ोटोशॉप से। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट, आ जाते हैं अपने फ़ोटोशॉप पे। तो ये मेरा फ़ोटोशॉप का डेस्कटॉप, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, फाइल का साइज़ सेलेक्ट करेंगे और ये जो साइज़ रहने वाला है वो है थंबनेल का साइज़ 1280x720। यहाँ पे पिक्सल 72 पिक्सल इंचिस, RGB कलर, 8 byte वाइट कलर लेयर का, क्रिएट पे करेंगे क्लिक। डेस्कटॉप हो गया ओपन। अब गाइस इस पे स्टेप बाय स्टेप मैं शेप्स क्रिएट करूँगा, वीडियो को एंड तक देखना। ऑप्शंस और टूल को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको ये दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल क्रिएट किया मैंने। ये जो मैं पोस्ट बना रहा हूँ ये मैं थंबनेल की लेयर पे बना रहा हूँ, तो इस पर हम करेंगे ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, उसमें किया ग्रेडियंट फिल और यहाँ से मैं चूज़ कर रहा हूँ कलर, कलर कॉम्बिनेशन विद ब्लैक कि कौन सा कलर जचता है। पहले मैं यहाँ पे रेड करके देख लेता हूँ, मैरून लाइक मैच कुछ खाया नहीं, तो ब्लू करके देखते हैं। तो ब्लू कुछ उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ब्लू की, ब्लू का जो पोर्शन है वो बढ़ा दिया हमने। उसके बाद दोस्तों मैं अगेन एक रेक्टेंगल लूँगा। कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैं स्टेप जिस स्टेप से मैं बना रहा हूँ आपको बस उसी को फॉलो करना है, और उसी को फॉलो करते आपको बस अपने दिमाग में ये डाल लेना है कि आप कौन सा टूल और कौन सा ऑप्शन यूज़ कर रहे हो। आप ऐसे ऐसे करते पक्का ये सॉफ्टवेयर सीख जाना है आपने भी। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर मैंने, वैसे तो मुझे वाइट कलर फिल करना है बट अभी के लिए मैं कलर दूसरा रखूँगा क्योंकि मैं इसको कट भी करना है मेरे को। तो यहाँ से मैंने इसका एक कॉर्नर, एक नहीं दो कॉर्नर कर देंगे राउंड, दो नहीं फ़िलहाल हम चारों कर देते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको हम कर देंगे राउंड, जितना हो सके उतना राउंड करना है। तो मैंने इसको कर दिया राउंड। फ़िलहाल मैं इसका जो कलर था वो रेड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कट भी करना है। अब इसको मैंने रिट्राइज किया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हटाया। अब गाइस मैं रूलर का यूज़ करूँगा, रूलर रखा मैंने, जो हमारी ब्लू वाली जो शेप है और रेड वाली शेप है उसके एकदम अकॉर्डिंग रूलर रखा। और अब लैसो टूल से इतना पोर्शन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कर दिया डिलीट। अब मैं इसको रखूँगा टॉप में, टॉप से भी थोड़ा कट करेंगे, थोड़ा पोर्शन बाहर निकाल दूँगा मैं, थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकालना है। अब इसके लिए लेके आएंगे हम ऊपर वाला रूलर, कंट्रोल आर करना है आपको रूलर आ जाएगा, आप ड्रैग भी कर सकते हो। तो रूलर लेके आया मैं, रूलर से गाइस एग्जैक्ट कटिंग होगी। तो रूलर से मैंने ये वाला पोर्शन किया, लैसो टूल से सेलेक्ट और इसको भी कर दिया डिलीट। अब रूलर को कर दो हाइड, माउस का राइट क्लिक करोगे वैसे भी हाइड कर सकते हो और ड्रैग करके भी हाइड कर सकते हो। उसके बाद गाइस अब मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट, प्रॉपर वाइट नहीं हुआ अभी भी, दोबारा ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके, सॉरी कलर ओवरले पे जाके यहाँ से ये वाला कलर पिक कर लेता हूँ, वाइट पिक करा और इसकी ओपेसिटी कर दी 100 और प्रॉपर हो गया वाइट। उसके बाद दोस्तों हम बनाएंगे एक और रेक्टेंगुलर बॉटम में, जो हमारा ग्रेडियंट का ब्लैक वाला पोर्शन है वहाँ बनाएंगे, बॉर्डर नन, वाइट कलर रखेंगे इसका भी, फ़िलहाल के लिए रेड रखता हूँ क्योंकि इसको भी थोड़ा कट करना पड़ेगा। और इसके कॉर्नर्स कर देंगे राउंड प्रॉपर्टीज़ में जाके। और उसके बाद गाइस अगेन हम रूलर का यूज़ करते हुए इसके जो पार्ट्स बाहर निकले हैं, जितना पोर्शन बाहर निकला उसको कर देंगे कट। सबसे पहले ऊपर से रूलर लेके आए और लैसो टूल तो सेम, जितना पार्ट आपको कुछ नहीं करना, जो रूलर है लैसो टूल लेके उस रूलर के पॉइंट पे क्लिक करके दूसरे पॉइंट पे क्लिक करके मैच करवा देना है, मिला देना है। और रिट्राइस करने के बाद डिलीट या बैकस्पेस आप की प्रेस करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन में भी रूलर रख के बैकस्पेस से डिलीट से मैंने कर दिया डिलीट और रूलर को कर दिया हाइड। अब दोबारा कलर ओवरले पे जाके इसको भी दे दूंगा वाइट कलर।
थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे, थोड़ी सी लाइन दिख रही है अभी। इसको बना लिया मैंने ग्रुप, थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करेंगे जो ब्लू लाइन दिख रही है, थोड़ी हाइट हो जाएगी ये। उसके बाद गाइस मैं एक और रेक्टेंगल ले रहा हूँ। अब रेक्टेंगल से मैं बनाऊँगा थोड़ी सी डिफरेंट शेप, जो कि आपने काफ़ी पोस्टों में देखी होगी। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, जूम आउट करके थोड़ा चेक कर लेता हूँ उसकी पोजीशन। अब इसी की 3 कॉपी करनी है आपको, कंट्रोल जे करने के बाद, कंट्रोल जे या कंट्रोल सी या कंट्रोल वी करो, कुछ भी करो, आपको बनानी है 3 कॉपी। आप ओल्ड के साथ भी ड्रैग कर सकते हो, उससे भी कॉपी हो सकती है, काफ़ी सारे ऑप्शन है। पहले मैं इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म, थोड़ा ओके कर लेता हूँ। तो ये हमारा साइज़ एकदम ठीक है। अब इसकी मैं 3 कॉपी बनाऊँगा, मैं कंट्रोल जे करके बना रहा हूँ। तो मैंने 3 कॉपी बनाई, उसके बाद तीनों कर दूँगा रिट्राई। स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हटाना है आपको, तभी ये चेंजेस हो पाएंगे इसके अंदर। उसके बाद मैंने सिलेक्शन टूल लिया और तीनों शेप में से डिफरेंट पार्ट को कर दिया डिलीट, इस वाले पार्ट में से इतना और नीचे वाले पार्ट में से इतना कर दिया डिलीट। और अब इसका, अब इन तीनों का बना लेना है ग्रुप। थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, तीनों शेप का ग्रुप बना लिया। अब इसको ट्रांसफॉर्म या ड्रैग हम एक साथ ही कर सकते हैं तीनों को। और ये जो हमारा रेड वाला पोर्शन था, इसको कलर ओवरले पे जाके दोबारा वाइट कर देते हैं, ये पता नहीं कैसे रेड हो गया था। तो अब सबको सेलेक्ट करके मैंने ग्रुप बना लिया है, और अब ग्रुप बनाने के बाद मैं बनाऊँगा इनकी शेडो। तो आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाना है, सॉरी ड्रॉप शेडो पे जाना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे भी जा सकते हो, वहाँ से भी हो सकता है वाला ऑप्शन। उसके बाद हमको बनानी है शेडो, साइज़ थोड़ा, साइज़ और स्पीड एकदम कम रखना, ज़्यादा नहीं रखना। तो मैंने यहाँ पे साइज़, स्पीड और डायरेक्शन को मैंने 0 ही रखा है, उन्हें यहाँ से कर दिया ओके। तो हमारा ये, हमारा जो पोस्ट है उसकी एक शेप हमने बना दी है। अब इसी की हम करेंगे कॉपी, इसी ग्रुप जो हमने ग्रुप बनाया था, इसको कंट्रोल जे करना है आपको, या कंट्रोल सी या कंट्रोल वी भी कर सकते हो। तो कंट्रोल जे करा, इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आए और इसको रोटेट कर दिया। अब आपको माउस का राइट क्लिक करके इसको 80 डिग्री पे, माउस का राइट क्लिक करके 80 डिग्री पे इसको रोटेट कर देना है। तो ये हमारी शेप बन गई दो। और ये जो हमारा ये जो पोर्शन था, इसको हम इस बार रखेंगे वाइट पे, और कलर ओवरले पे जाके इसको हम सेम हमारी जो ग्रेडियंट का ब्लू कलर है वो दे देंगे पिक करके। ब्लू कलर पिक करके मैंने वाला कलर फिल कर दिया, इसको रखा मैंने यहाँ पे। इसको भी हम 80 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारी शेप हो गई कंप्लीट। अब मैं इसमें कुछ वॉच, इसकी वॉच इमेज वगैरह और टेक्स्ट वगैरह ऐड करूँगा, तो स्टेप बाय स्टेप करूँगा, आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने गूगल पे, यहाँ से मैंने पिक की कॉपी और यहाँ करी पेस्ट। ये कुछ ज़्यादा बड़ी है तो इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करी, इसको रखा मैंने यहाँ पर। अब आपको लेना है सिलेक्शन टूल, सेलेक्ट सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है जो वॉच है, उसको करेंगे सेलेक्ट। अच्छी तरह सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ से मैंने अच्छी तरह सेलेक्ट कर लिया जूम करके, और कंट्रोल जे कर देना है, और बाकी जो पार्ट है उसको कर देना है डिलीट। इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे, और इसको रखा मैंने यहाँ पर। अब सेम एक और वॉच दूसरी वाली शेप के लिए। तो यहाँ से मैंने एक कॉपी की और यहाँ करी पेस्ट। अब इसका भी सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट सब्जेक्ट, और अच्छी तरह सिलेक्शन बनाना है, क्योंकि जो घड़ी का पोर्शन है वो भी वाइट है, और जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट है, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो अच्छी तरह जूम इन करके आपको सिलेक्शन करना है। तो मैंने जूम इन करके अच्छी तरह सिलेक्शन किया है, और फिर कंट्रोल जे कर देंगे, और नीचे वाले उसको हाइड करेंगे या डिलीट कर देंगे, जो आपकी मर्ज़ी है। और इस वाले को मैंने रखा है यहाँ पर, इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, हल्का सा रोटेट करेंगे सेकंड वाले घड़ी की तरह,
और थोड़ा कर दिया ऊपर नीचे ताकि थोड़ी डिफरेंट लुक आए। अब इसको रखा मैंने यहाँ पर। अब मैंने एक और लेयर ली और फिर लिया ब्रश टूल। ब्रश टूल से हम ब्रश का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बनाएंगे शेडो। तो ब्लैक कलर से मैंने शेडो बनाई है, न्यू लेयर पे बनानी है आपको, और शिफ्ट के साथ इसको करना है ट्रांसफॉर्म। शिफ्ट के साथ बड़ा किया इसको मैंने, शिफ्ट की प्रेस करके करना है, अदरवाइज़ होगा नहीं है। और शेडो हमेशा छोटी या बड़ी होनी चाहिए, तो इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कर दूँगा कम मैं अब। और इसी शेडो की बनाएंगे हम दो कॉपी, कंट्रोल जे कर देना है और इसको ट्रैक करके लेके आएंगे दूसरी वाली गड्डी के नीचे। इसको लेके आकर दूसरी वाली गड्डी के नीचे थोड़ा इसकी जगह सही कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो मेन पार्ट है वो है टैक्स ऐड करने का, तो अब मैं करूँगा टैक्स ऐड। तो यहाँ पे मैंने टैक्स लिखे हैं बाय नाउ और इसको दिए हैं बेवस, सॉरी ये कौन सा फ़ॉन्ट है समझ में नहीं आ रहा, नॉर्मली फ़ॉन्ट है, आपको मिल जाएगा आपकी लिस्ट में हो गए। और इसके एक पार्ट को सिलेक्ट कर मैंने कर दिया बाय को ब्लू कलर और ब्लैक को दिया नाव को दिया ब्लैक कलर और इसको भी दी थोड़ी सी शेडो 1.1, 1.5 और 0 डायरेक्शन और ओपेसिटी 50%। और यहाँ से कर दिया ओके। और अब इसी की दो कॉपी बनानी है आपको, इसको लगाना दूसरे वाले में, दूसरे वाली शेप में लगाया, दोनों को सेंटर में रखना एकदम शेप के। उसके बाद गाइस मैंने कुछ एज अ प्रैक्टिस के तौर पे ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया गूगल से ताकि वक्त ज़ाया ना हो और वीडियो लंबी ना हो। तो मैंने एज एग्जांपल के तौर पर कि कैसे आपको कहाँ टैक्स लिखने हैं मैंने टैक्स शेप पे ऐड किए, तो इनको मैंने रखा यहाँ पर। और लाइट फॉन्ट यूज़ किए इसके लिए मैंने, लाइट ही यूज़ करना आप भी कोशिश हो सके। जो हेडलाइन वगैरह होती हैं उसमें हम बोल्ड और हेडलाइन वाले फॉन्ट यूज़ करते हैं, बाकी डीप डिटेल के लिए हम लाइट फॉन्ट यूज़ करते हैं। तो इसको रखा मैंने यहाँ पर और इसके अकॉर्डिंग फॉन्ट अब फाइनली मिल गया। और इसी की आपको दो कॉपी बनानी है, फिर इसको भी 80% पर रोटेट करेंगे। और इसको रखा मैंने यहाँ पर, कोई फ़ायदा नहीं हो रोटेट करने का क्योंकि नंबर्स जो न्यूमेरिकल है वो उल्टे हो रहे थे। उसके बाद दोस्तों मैंने ये जो वॉच लगाई है एग्जांपल के तौर पे मैंने इनका नाम डाल दिया है कसियो MTP, और सेकंड वाली में भी नाम डाल दिया है, घड़ी कोई और है बट नाम कोई और है, क्योंकि मैं ऐसा प्रैक्टिस बना रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि पोस्ट बनती कैसे है। तो गाइस हमारी जो पोस्ट है वो बन के एकदम रेडी है, सिंपल सी थी, छोटी सी वीडियो थी हमारी। तो गाइस ये पोस्ट एकदम बन के रेडी है, स्क्रीन पर है, आप मुझे कमेंट करके बताना ये आपको कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक, और अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है तो अपने दोस्तों को करना शेयर। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।